और जाने दे। आतिफ असलम की आवाज जब कानों में गूंजती है तो एक अपनेपन का एहसास हो जाता है, और वही आवाज, मतलब जब मेरी आवाज भी आपके कानों तक जाती है ना, तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेरी जान आए हाय बहुत तेज हो रहे हो। वैसे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिशियन शिल्पी गोयल हमारे साथ जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू नरेंद्र। क्या कहेंगे आज वर्ल्ड योगा डे पर, क्या हेल्थ टिप है तमाम लोगों के लिए? योगा जो होती है वो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी एक्सरसाइज की पद्धति है, और लोग इसको अब इसकी वैल्यू समझ रहे हैं। और योगा की सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये है कि इसमें माइंड बॉडी का कनेक्शन होता है, तो माइंड भी बहुत पीस में आता है, और ब्रीदिंग के साथ अपनी बॉडी को सेंसेस को कंट्रोल करना और माइंड को कंट्रोल करना, ये तो एकदम साइंस में प्रूवन है। तो योगा में बहुत सारे गुण हैं। योगा की जो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस होती हैं, जो दंड बैठक करते हैं, प्लैंक करते हैं, सूर्य नमस्कार आसन करते हैं, इन सब की तो बॉडी में बहुत ही ज्यादा उसके फायदेमंद वो होते हैं। अगर आपने देखा भी होगा किसी भी जगह की, अगर मसल्स हमारी वीक हो जाती है या पेन होता है कमर का, बैक पेन जिनको है, उनको भी योगा की एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स बताते हैं, और ये करने से वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से योगा हर किसी को करना चाहिए, और जरूर इसको अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। आपकी वेलनेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए।